नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर राज्य सरकार के किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजीव गांधी न्याय योजना का नाम दिया। सीएम ने यह स्कीम ऑनलाइन लॉन्च की। इस मौके पर दिल्ली से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सोनिया गांधी ने कहा, न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी बहुत खुश है। प्रदेश के विभिन्न कांग्रेस कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान न्याय योजना का शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस जन जुड़े। राजनांदगांव में भी विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीएनएक्स टीवी संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता ने विधायकों से कोरोना से लेकर किसान न्याय योजना तक सभी बिंदुओं पर चर्चा की। डीएनएक्स टीवी के खास प्रोग्राम विधायक संगोठ में हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र गुप्ता ने खुज्जी विधायक छन्नी चंदू साहू से चर्चा की। आइए जानते हैं खुज्जी विधायक ने किसान न्याय योजना पर क्या कहा। सबसे पहले तो आज राजीव गांधी न्याय योजना है और पूरा छत्तीसगढ़ के जनपद में बधाई देना चाहती हूँ और हमारे प्रदेश के मुखिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन सब परिस्थिति में भी किसानों का साथ जो उपज की कीमत है उसे अंतर का राशि हो दे रहा है। साथ ही साथ कोरोना के लिए भी हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण ना हो। मेरे क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए तो अभी आज का शुभारंभ किए, 15,000 करोड़ आज डाल भी रहे हैं। केंद्र से अपेक्षा है कि अभी कोरोना संक्रमण है और आर्थिक स्थिति चरमरा गए हैं तो क्या कर रही है।